नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीट्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आज बेहद ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है क्रिस्पर। क्रिस्पर जिसको कि हम गेम चेंजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक कह सकते हैं। आज इस बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप हमारी वीडियोस को मैक्सिमम लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। दोस्तों, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले 50 सालों में कंप्यूटर साइंस में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से आज की ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही ईजी हो चुकी है। आज हम डिजिटलाइजेशन के ज़माने में रह रहे हैं और जिसकी वजह से हम घर बैठे ही अपना कोई भी काम कंप्यूटर्स के द्वारा या मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। तो क्या ऐसी एडवांसमेंट्स हम किसी और फील्ड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें साइंस में, तो बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही हैं और फ्यूचर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे आ रही हैं जो हमारी मेडिकल साइंस को भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर ले जा रही है। इसमें से एक मेडिकल साइंस का एक जो रिसर्च टॉपिक है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर हम फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो एट प्रेजेंट ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से आज ह्यूमन लाइफ बहुत ही ईजी हो चुकी है और फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसकी वजह से हम तरह तरह की डिजीज़ को क्योर भी कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ जाएगी। अगर हम फ्लैशबैक में चलें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या एनिमल्स जो हैं, इनका कंसेप्ट ऑलरेडी से हम सभी को पता है। डॉली शीप विच वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड, जेनेटिकली क्लोन्ड एनिमल, और उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हमने क्लोनिंग के द्वारा बनाए। सो मेडिकल साइंस में ऐसे इंजीनियरिंग के थ्रू, इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू हम बहुत सारे अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वी कैन मेक अ बेटर प्रोडक्ट्स और बेटर ह्यूमन लाइफ। दोस्तों, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम किस चीज़ को इंजीनियर कर सकते हैं? ऐसा क्या कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, हमारे सेल में, जिसको हम इंजीनियर करके हम उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं और उसमें एडवांस्ड तरीके से हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो हम इस जेनेटिक मटेरियल में ऑल्टरेशंस करके या इसको इंजीनियर करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी डिजीज़ को या कोई भी ऑल्टरेशन या हमें कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है, वी कैन ऑलवेज डू दैट। एग्जाम्पल के तौर पर आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में ज़रूर सुना होगा। इंसुलिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, शुगर को मेंटेन करने के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए आजकल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं मिलता था। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बड़ी एडवांसमेंट जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की फॉर्म में आज हमें मिलती है, जिसकी वजह से दुनिया में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के जिनको हम इंसुलिन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो इसके साथ साथ ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम और ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशन में, अगर बात करें हम डिजीज़ क्योर की बात करें, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें या डिजाइनर्स बेबी की बात करें, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि जिसकी वजह से ये मल्टीपल डिजीज़ को क्योर कर सके? तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, दैट्स कॉल्ड एज क्रिस्पर, विच इज़ क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंट्रास्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सो इस क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी के द्वारा वी कैन ऑलवेज क्योर अवर जेनेटिकल डिजीज, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिजाइनर बेबीज, एंड ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द ओल्ड एज, दैट मीन्स हम अपनी जो यूथ की जो स्टेज है वो उसको बढ़ा सकते हैं, रिड्यूसिंग द ओल्ड एज एंड इंक्रीजिंग दैट यूथ एज। सो क्रिस्पर का कंसेप्ट साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया? ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसके द्वारा क्रिस्पर की उस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया गया था। अगर हम बैक्टीरिया और वायरसेस की बात करें
तो दे आर सपोज टू बी एनिमीज ऑफ ईच अदर। बेसिकली वायरसेस जो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे मल्टीप्लाई इन देम, सो दोज वायरसेस दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। सो ये वायरसेस क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को ईजिली क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, उनके सेल में एंटर करके उन्हीं की मशीनरी का यूज़ करके उनको मार देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के पास भी एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके द्वारा वो बैक्टीरिया वायरसेस को एक तरह से चकमा देते हुए उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। और वही टेक्नोलॉजी जो थी, वही टेक्निक जो थी, साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, जिसको हम क्रिस्पर करते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया क्या करता है, वायरसेस के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो उनका होता है उसको कैप्चर करेगा, उसके एक कंपोनेंट को कैप्चर करेगा जिसको वो अपने पास सेव करके रखता है, और लेटर ऑन उससे आरएनए की सिंथेसिस और एक प्रोटीन है जिसको हम कैस नाइन कहते हैं, उस कैस नाइन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। वो कैस नाइन प्रोटीन जब उस बैक्टीरियल सेल में सेव हो जाएगा, इन फ्यूचर जब वायरसेस दोबारा से उस बैक्टीरियल सेल को अटैक करते हैं, वो कैस नाइन प्रोटीन इट एक्ट्स एज ए मॉलिकुलर सीजर, वो सीजर की तरह काम करता हुआ उस वायरस के डीएनए को क्या करेगा, डीजनरेट करेगा, जिसकी वजह से वायरस के कंपोनेंट्स दे विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल जो है इससे अपने आप को एस्केप करता है वायरसेस के अटैक से। साइंटिस्ट ने इसी टेक्निक को यूज़ करा है, डिस्कवर किया है फॉर द जीन एडिटिंग और जीन थेरेपी पर्पसेस, दैट्स कॉल्ड एज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। सो अगर हम बात करें क्रिस्पर कैस नाइन की, सो इसको हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस जीन एडिटिंग मैकेनिज़म्स, और ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ईजी और कम समय में हम बहुत सारे एडिटिंग अपने जेनेटिक मटेरियल में कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हाउ डज इट वर्क, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक नेचुरल मैकेनिज़्म जो बैक्टीरियल सेल में होता है उसी को मिमिक करता हुआ हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली आरएनए और कैस नाइन प्रोटीन को यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग द शॉर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए, और उसमें हम जहाँ से हमने उस डीएनए को कट लगाया उस कैस नाइन प्रोटीन से, हम एक नया जीन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमारी चॉइस का होगा। उस जीन को हम उसके बाद सील करके या लाइगेस से ज्वाइन करके हम उसको दोबारा से उस जीन की एक्सप्रेशन करवा के कोई भी हम चेंजेस ला सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, इन सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी को हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप सभी जैसे जानते हैं कि एचआईवी एड्स का आज भी कोई एक प्रॉपर इलाज नहीं है, तो क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है इससे फ्यूचर में हम एचआईवी एड्स का भी क्योर कर सकते हैं? जी हाँ, 2015 में चाइनीज साइंटिस्ट ने एचआईवी एड्स का जो वायरस है उसको माइस में इंजेक्ट करा, और उन्होंने पाया कि अबाउट 48% ऑफ द एचआईवी वायरस इट वॉज लॉस्ट फ्रॉम द एच आई वी इन्फेक्टेड माइस, और जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन द नियर फ्यूचर एच आई वी एड्स का भी हम इलाज क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आज के टाइम की बात करें तो कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी बीमारी की वजह से होती हैं। सो क्रिस्पर ने कैंसर रिसर्च की अगर बात करें तो इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द कैंसर रिसर्च, और हम कैंसर को भी, कैंसर के सेल्स को, क्योंकि नॉर्मली हमारे सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक लाइफ साइकिल है जिसके बाद उनकी डेथ होगी, लेकिन कैंसर के सेल्स ऐसे सेल्स हैं विच बिकम इमॉर्टल इन नेचर, जिसकी वजह से वो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो हम क्रिस्पर के ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपने इम्यून सेल्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से दे विल बी बेटर किलिंग दोज कैंसरस सेल्स सो एज टू क्योर दिस पर्टिकुलर डिजीज। साथ ही साथ अगर हम बात करें जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो बाय बर्थ किसी एक बच्चे में रहते हैं, उनको क्योर कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि उन डिजीज़ का कोई क्योर अभी तक नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर
ये माना जा रहा है कि वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए पाथवे थ्रू दिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बाय विच हम इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी क्योर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हेमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, हटिंगटन्स डिजीज़ है, ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम इन द नियर फ्यूचर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से क्योर कर सकते हैं। एक नया कंसेप्ट जो कि मेडिकल साइंस में आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइनर बेबीज। ये डिज़ाइनर बेबी का कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली जैसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वो अगर हम क्योर कर रहे हैं क्रिस्पर के द्वारा तो वो सिर्फ उस एक इंसान के लाइफ के साथ ही हम वो क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। लेकिन डिज़ाइनर बेबी के द्वारा हम वो जो करेक्टर है जिससे कि कोई उस बच्चे को डिजीज़ ना हो, हम अपने गैमीट्स में ही, गैमीट सेल जिसको हम स्पर्म और ओवम कहते हैं, उनमें ही क्रिस्पर के द्वारा मॉडिफिकेशंस इस तरीके से करते हैं ताकि जो उनके क्रोमोसोम्स हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट ना हो और जो बेबी प्रोड्यूस हो वो ऐसा बेबी हो जिसमें भी कोई भी डिजीज़ के लक्षण उसमें ना हो, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर है चाहे वो लाइफ टाइम डिसऑर्डर्स हो। तो उस ऐसे बच्चों को हम डिज़ाइनर्स बेबी का नाम देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एजिंग एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसके द्वारा बॉडी के जो सेल्स हैं वो वीक होना शुरू होते हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिजीज़ से लड़ने की क्षमता उसकी कम होती है, एंड अ पर्सन इज़ मोर प्रोन टू अ नंबर ऑफ डिजीज़। तो क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इन एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, या कि अगर हम कहें एजिंग इन रिवर्स जो प्रोसेस है वो अप्लाई किया जा सकता है थ्रू दिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम एक लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि क्रिस्पर की हो रही है भारत में, सो ऐसी बहुत सारी एडवांसमेंट, इनिशियल एडवांसमेंट हमारी कंट्री ने एक्वायर की हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इन द ईयर 2019, साइंटिस्ट फ्रॉम नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली, इन्होंने क्रिस्पर के द्वारा बनाना के जीनोम को मॉडिफाई किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके साथ साथ जैसे कि आप अभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग COVID-19 सिचुएशन, तो इसमें RT-PCR एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सन में COVID-19 के वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स रिसेंटली दे हैव डेवलप्ड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द COVID-19 वायरस इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बींग, और ये जो रिसर्च है, रिमार्केबल रिसर्च जो थी, ये CSIR IGIB इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, उन्होंने, उनके साइंटिस्ट ने ये CRISPR-Cas9 कोविड टेस्ट को भी इन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया, और आगे आने वाले टाइप में कोविड जैसे और वायरसेस जो भी हैं इनको हम डिटेक्शन के लिए क्रिस्पर की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्रिस्पर रिसर्च की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो ऐसे बहुत सारे रिमार्केबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, मिशिगन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत रिमार्केबली इस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड को ले रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा, CSIR IGIB इंस्टीट्यूट दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, एज वेल एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भारत में हैं, बहुत ही इंथुजियास्टिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट हम देखेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जब भी कोई हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी जुड़े होते हैं। क्या जो भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात करी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा था मैं, तो उसमें हमने देखा कि हम डिज़ाइनर बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम कोई भी जीन थेरेपी के प्रोसेस के द्वारा या क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एथिक्स की, सो ऐसे बहुत सारे एथिकल इश्यूज क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी को रिलेटेड भी हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे डिज़ाइनर बेबीज की, या हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि अभी तक क्योरेबल नहीं है, उनसे, उनको भी हम क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। तो एथिकल इशू सबसे बड़ा इसमें ये आता है कि क्या हम ये जो
नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है बेबी प्रोड्यूस होने का, या हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो एक एथिकल इशू ये भी आता है कि क्या हम नेचर से अलग तो नहीं जा रहे, क्या हम नेचर में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कर रहे, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स वी आर यूजिंग बाय फॉर अवर ओन पर्पस, तो क्या ऐसे करने से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी। ये एक एथिकल इशू हमेशा से कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आए उसको रिलेटेड होता है। तो अगर क्रिस्पर की बात करें, तो अगर हम इस क्रिस्पर को बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन में अगर बात करें, तो बहुत सारे डिजीज़ जैसे मैंने कैंसर की बात करी, HIV एड्स की बात करी, ये डेडली डिजीज़ को भी ये क्योर कर सकता है। लेकिन हमें फ्यूचर में ये देखना ज़रूरी है कि क्या इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज़ करें और किस एक्सटेंट तक यूज़ करें, ताकि जो क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी है एक प्रॉपर तरीके से हम उसके बेनिफिट्स ले सकें और इसका नेगेटिव यूज़ ना हो। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिकल साइंस की हैं, उनको ये देखना ज़रूरी है कि क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी को कैसे एक कन्फाइंड तरीके से यूज़ किया जाए, ताकि वो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, बट एट द सेम टाइम वो नेचर से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमने फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ा, जिसको हम क्रिस्पर कहते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स या एथिकल इश्यूज़ को भी अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि फ्यूचर में हमें इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों और नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके कम मिलें। तो दोस्तों, आज के इस YouTube लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। अगले किसी YouTube लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के सामने आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। द बीट्स फॉर यू नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। विजिट इट्स वेबसाइट thebeatsforyou.com।